ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दो छोटे छोटे टोटके बताने वाली हूं कन्याओं के शीघ्र विवाह के। देखिए, विवाह शादियों का सीजन है और ये जो दोनों टोटका है इन्हीं सीजन में आप बड़ी आसानी से कर सकती हैं। कई कन्याओं के प्रश्न लगातार आते रहते हैं कि विवाह शादी में लेकर अड़चन है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे उपाय कर चुकी हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, विवाह की बात नहीं बन पा रही है। तो आप इन दो छोटे टोटकों को अपना कर जरूर देखें। दोस्तों, पहला टोटका, शादी विवाह की बातचीत के लिए घर परिवार के सदस्य जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं। तो जिस दिन भी आपकी शादी की बात के लिए, माएं भी अगर ये वीडियो देख रही हैं ध्यान से देखें, अगर उनकी बच्चियां नहीं कर पाएं तो वो जरूर इस टोटके को कर दें। जिस दिन शादी की बात करने के लिए आपके घर से पिता या भाई या चाचा जी कोई भी जा रहे हो, तो ऐसे में उस दिन उस कन्या को खुले बालों में रहना चाहिए। उस दिन उसे लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और अगर संभव हो तो लाल रंग के नए कपड़े पहने। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि अपने ही हाथों से उस दिन कोई मीठी चीज, अगर घर में खीर बना ली हो, अगर नहीं भी बनाई हो, कोई मिठाई हो या फिर शक्कर और दही, अगर शक्कर और दही भी आप नहीं तो मिश्री ही ले ले, गुड़ ही ले ले, कोई भी मीठी वस्तु आपको अपने हाथ से, उस कन्या के हाथ से मतलब, उनको देनी चाहिए और उसके बाद उन्हें विदा करना चाहिए हंसते हुए। देखिए, अगर कन्या पहले से चोटी करके भी रखी, बहुत पुराना टोटका है ये दोस्तों, तो ऐसे में जब शादी ब्याह के लिए बात करने जा रहे होते थे लोग, तो माएं क्या करती थी, उनके बाल खोल देती थी और ऐसे में बहुत उम्मीद ये रहती है कि जिनके यहां भी जा रहे हो पिता और घर के सदस्य उस लड़की के शादी की बात करने, वहां बात पक्की हो जाए। और ऐसा हुआ करता था तभी। ये बहुत पुराना टोटका है जो अब तक चला आ रहा है और बहुत ज्यादा लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इस टोटके को जरूर करें। दोस्तों, अब दूसरा एक सरल सा टोटका और बता दूं। देखिए, शादी ब्याह का सीजन है और ऐसे में हम सभी महिलाएं और घर की बच्चियां भी अपनी सहेलियों की शादी में जाती हैं, रिश्तेदारों के यहां शादी में जाती हैं। और जिन बच्चियों की शादी में अगर दिक्कतें आ रही है, जिन कन्याओं की, वो तो जरूर जाएं। उनकी अगर माताएं माएं भी देख रही हैं, वो भी ध्यान रखें, उन्हें जरूर लेकर जाएं, खास तौर पर जिस दिन मेहंदी रचवाई जा रही हो। देखिए, आजकल बहुत बड़ा फंक्शन होता है मेहंदी का और ऐसे में हम सभी जाते हैं, दुल्हन के साथ बैठकर मेहंदी लगाने का रिवाज है और मेहंदी लगाना हम सभी जानते हैं शादियों का एक अभिन्न अंग है। तो ऐसे में जिस भी कन्या की विवाह में बाधा अड़चन आ रही है, वो उस जगह पर जाएं जहां दुल्हन मेहंदी रचवा रही हूं। और आपकी अगर सहेली ही है, आपकी बहन है, कोई भी रिश्तेदार संबंध में है, ऐसी जगह पर आपको जाना होगा, क्योंकि किसी, देखिए, अनजान जगह पर अगर आप जाते हैं मेहंदी के फंक्शन में, तो जरूरी नहीं है कि दुल्हन आपको मेहंदी लगा दे अपने हाथों से, लेकिन परिचित के यहां अगर आप जा रहे हैं तो दुल्हन के हाथों से थोड़ी सी मेहंदी, जिस भी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है, उसे रचवानी चाहिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि इसी लग्न में, इसी शादियों के सीजन में उस कन्या का भी विवाह हो जाता है जिन्होंने दुल्हन के हाथों से अपने हाथों पर मेहंदी रचवाई हो। तो दोस्तों, ये दो छोटे सरल सरल टोटके बताए हैं। कन्या अगर देख रही है, जो लड़की के विवाह में बाधा है वो देख रही है, उनकी माताएं देख रही हैं, कोई भी इस उपाय को बड़ी आसानी से कर सकती हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिसको बस आपको ध्यान में रखना है, अगर आप अपनाती हैं आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत पहले से ऐसे उपाय हमारे कल्चर में है, हम करते आए हैं और इसका फायदा भी हमें मिलता आया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। किसी भी अन्य तरह का अगर सवाल है आपके मन में, आप जरूर मुझसे पूछें, मैं आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। चैनल पर अगर नए आए हैं, ऐसी जानकारियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।